रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। 2+2 वार्ता दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का एक तंत्र है। भारत और जापान की सुरक्षा और रक्षा सहयोग को गहरा और बढ़ाने के लिए 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत और जापान के घनिष्ठ संबंध हैं और 2024 में अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की। जापानी पक्ष का नेतृत्व रक्षा मंत्री किहारा माइनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा ने किया। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहल की खोज पर सहमति व्यक्त की। डिफेंस मिनिस्टर एक्सेलेंसी किहारा माइनोरू और सीनियर कैबिनेट कलीग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, लेट मी एड माय वर्ड्स ऑफ वेलकम टू फॉरेन मिनिस्टर कामिकावा एंड डिफेंस मिनिस्टर किहारा हु आर हियर फॉर द थर्ड राउंड ऑफ द इंडिया जापान 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टरियल मीटिंग। वी हैव जस्ट कंक्लूडेड एक्सटेंसिव एंड प्रोडक्टिव एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन क्रॉस कटिंग इश्यूज पर्टेनिंग टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी। Prior to that, I also met Foreign Minister Kamikawa separately to discuss bilateral, regional and international issues. The regional and global environment around us have evolved considerably since we met last in Tokyo 2 years ago. There is further complexity and volatility in the Indo-Pacific region and the world at large. Our economic landscape is also more complex, making transparency, predictability and resilience an essential part of our security. The world of technology may present new opportunities, but they have also thrown up new challenges. Our 2+2 dialogue today was an occasion to share assessments and agree on cooperation in this regard. सबसे पहले मुझे भारत और जापान 2+2 dialogues के तीसरे edition को भारत में co-host करते हुए खुशी हुई। मैं हमारे स्पेशल स्ट्रेटजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने वाली शानदार इंटरेक्शन के लिए सभी मिनिस्टर, उनके डेलीगेशन और स्टाफ की सराहना करता हूं। हमारे बायलेटरल रिलेशंस के प्रति उनके कमिटमेंट की मैं दिल से सराहना करता हूं। यह वर्ष भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।